हेलो दोस्तों, कैसे हो? कर रहे हो रिवीजन? बच्चे, अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। डन। आज मैं आप लोगों के साथ एक और लेंथी टॉपिक लेकर आया हूँ सीए फाउंडेशन का, जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। बेसिकली इशू ऑफ शेयर्स हमारा लिंक करता है किससे? कंपनीज से। आप लोग अगर कॉमर्स से हैं तो आप लोगों ने क्लास 11th में ही कुछ टॉपिक्स पढ़ा था, वो भी अकाउंट्स में नहीं। आज मैं बात करता हूँ बीएसटी में, बिजनेस स्टडीज में। आपने टॉपिक पढ़ा था, टॉपिक क्या था? कि अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस करने की जो एक हम लोग कहते हैं रजिस्ट्रेशन, के बिजनेस किस फॉर्म में किया जा सकता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स, उसमें आपने देखा था कि बहुत सारी फॉर्म्स आपके टीचर ने आपको बताई थी। उसमें से कुछ एग्जांपल के, अगर कोई सिंगल पर्सन प्रोप्राइटर, कोई सिंगल पर्सन बिजनेस करना चाहता है तो उसे प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। कई बार कुछ लोग मिलकर बिजनेस करते हैं जिसको पार्टनरशिप कहा जाता है, जो कि मैंने आपके साथ भी डिस्कस किया अपने कोर्स में। एक होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी बना लीजिए, पीवीटी एलटीडी बना लीजिए, प्राइवेट लिमिटेड बना लीजिए, वो होता है आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे एक आपने पढ़ा होगा HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बिजनेस करती हैं। तो कई फॉर्म होती हैं, उसमें से एक फॉर्म हमारे पास है कंपनी, जो कि हमारे कोर्स का पार्ट है। बेसिकली कंपनी एक काइंड ऑफ फॉर्म हो गई कि इस फॉर्म में भी आप बिजनेस कर सकते हो। जब आप कंपनी बनाते हो, कंपनी बनाने के लिए अलग अलग लिमिटेशंस हैं, और कंपनी को जो रूल करता है या जो कंपनी जिस एक्ट के अंतर्गत चलती है उसको कहा जाएगा कंपनीज एक्ट 2013। जैसे पार्टनरशिप में मैंने आपको बताया था ना, पार्टनरशिप एक्ट 1932 होता है, ऐसे ही कंपनीज एक्ट में कंपनीज एक्ट 2013 होता है। डन। अब कंपनी और पार्टनरशिप में एक बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है, अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं। पार्टनरशिप में एक लिमिटेड अमाउंट आप कलेक्ट कर सकते हो, और जो पैसा पार्टनरशिप फर्म को चाहिए होगा वो किसे लाकर देना पड़ेगा? वो पार्टनर्स लगाएंगे अपनी जेब से। कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी को अगर पैसों की रिक्वायरमेंट है तो जो कंपनी के ओनर हैं, हालांकि ये वर्ड ही मैं गलत यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का कभी कोई ओनर नहीं हो सकता। कंपनी के कुछ फीचर्स होते हैं, उसमें से एक फीचर ये भी होता है कि कंपनी है सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर मैं फीचर की बात करूं, फीचर ऑफ कंपनी, तो उसका एक बड़ा अच्छा फीचर होता है, वो होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की पहचान और जो कंपनी को चला रहे हैं, कंपनी को चलाने वाले लोग, उनकी पहचान अलग-अलग होती है। पार्टनरशिप में तो क्या है, तीन पार्टनर मिले, उन्होंने पार्टनरशिप बनाई, उन तीन में से एक पार्टनर की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप खत्म हो गई, फिर नई पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। किसी नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो पुराने वाली पार्टनरशिप खत्म हो गई, नई पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। यहाँ तक कि अगर आप अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज करना चाहते हो, तो ये कहा जाता है कि पुराने वाली पार्टनरशिप खत्म हो गई और नई पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। कंपनी में एक फीचर है कंपनी का, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस बेसिकली क्या कहता है? परपेचुअल एग्जिस्टेंस कहता है कि कोई आए या कोई जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी का जो एंटिटी है, कंपनी की जो अस्तित्व है, कंपनी की जो पहचान है, वो चलती रहेगी। किसी नए मेंबर के आने से वो खत्म नहीं हो जाएगी, किसी पुराने मेंबर के जाने से वो खत्म नहीं हो जाएगी।
जो कंपनी है वो निरंतर चलती रहेगी। ये एक और बेसिक डिफरेंस है कंपनी वर्सेस पार्टनरशिप में। थर्ड पॉइंट, अगर मैं आपसे बोलूं सोर्स ऑफ फंड या सोर्स ऑफ कैपिटल कह सकते हो, पैसा कहां से आएगा? पार्टनरशिप फॉर्म में जो बेसिक कैपिटल आती है वो पार्टनर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, वो पैसा आता है। लेकिन कंपनी में उसका कोई मेंबर पैसा नहीं लगाता, कंपनी में जो पैसा आता है वो इशू ऑफ सिक्योरिटीज से आता है। सिक्योरिटीज बेसिकली दो टाइप की हो गई, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। कंपनी को पैसों की जरूरत है, आपने कई बार देखा होगा, अगर आपने नोट किया हो तो डे टू डे लाइफ में कई बार न्यूज़पेपर्स में आता है या कई बार सोशल मीडिया पे भी आता है कि किसी कंपनी ने आईपीओ निकाला है। आईपीओ बोले तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, जहां पर वो कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है। एज अ जनरल पब्लिक, अगर आप चाहो, आपको उस कंपनी में बिलीव है तो आप उस कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकते हो। अगर आप उस कंपनी के शेयर्स को परचेज करोगे तो आप उस कंपनी के क्या कहलाओगे? आप उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाओगे और आप उस कंपनी को पेमेंट करोगे, वही पेमेंट उस कंपनी की कैपिटल बनती है। तो इशू ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज को इशू करके कंपनी के पास कहीं ना कहीं कैपिटल का अमाउंट आता है। ठीक है जी, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं होती है कहीं पर, या आप कह सकते हो कि पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है, कंपनी तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत एमसीए की साइट पर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर की साइट पर, यह भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा, या आरओसी की साइट पर, आरओसी के अंतर्गत एमसीए की साइट पर आपको उसको रजिस्टर करना पड़ता है एमसीए कंपनी को। तो लेकिन पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। डन, मोटा मोटा मेरे को आपको ये समझाना था कि कंपनी को पैसा अगर चाहिए तो वो पैसा कंपनी कहाँ से लाएगी? वो पैसा कंपनी शेयर्स इशू करके लाएगी, इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी शेयर्स इशू करेगी, इसका क्या मतलब है? देखो, ये एक कंपनी है, मुझे पता है लग नहीं रही, पर एज्यूम कर लो कि ये एक कंपनी है। इस कंपनी ने कुछ शेयर्स इशू किए हैं, इस कंपनी ने बोला है कि हम लोग कुछ शेयर्स इशू करेंगे। डिटेल ऑफ शेयर्स टू बी इशू, जो शेयर्स इशू करने हैं उसकी डिटेल क्या है? डिटेल से मेरा मतलब है, सबसे पहले तो ये बता दो कितने शेयर इशू करना चाहते हो। कंपनी ने बोला हम 10,000 शेयर इशू करेंगे। डन, फिर ये बता दो कि किस प्राइस पर इशू करोगे, यानी फेस वैल्यू क्या रहेगी शेयर की। हमने बोला, यानी कंपनी ने बोला, एक शेयर 100 का इशू करेंगे। मैं सिंपल रखता हूँ अभी केस। अच्छा जी, या इसका मतलब अगर जनरल पब्लिक में किसी को एक शेयर परचेस करना है हमारी कंपनी का, तो उस एक शेयर की वैल्यू होगी ₹100, उस बंदे को ₹100 देने पड़ेंगे। डन जी, हमने बोला सर पैसा कैसे मांगोगे, क्या सारा पैसा एक साथ देना पड़ेगा? उन्होंने बोला नहीं, सारा पैसा एक साथ नहीं देना होगा, पैसा आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना होगा। इंस्टॉलमेंट्स का कुछ नाम होगा, सबसे पहले आप पैसा लेकर आओगे, अप्लाई करोगे शेयर्स को, इसीलिए जो सबसे पहली इंस्टॉलमेंट होगी उसका नाम हो गया एप्लीकेशन मनी। ये आपको सिर्फ ₹25 देनी है, या मैं काम करता हूँ ₹20 आपको ये पे करना है, सिर्फ 20। सेकंड, जब पैसा दोगे तो हम आपको अलॉटमेंट अलॉट कर देंगे शेयर्स, यानी हम आपको शेयर्स दे देंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट देने पे। पहले पे आपने अप्लाई किया, दूसरे में हम आपको शेयर्स अलॉट कर देंगे, उसमें आप एक काम करना, ₹30 ले आना। डन,
कुछ टाइम के बाद हम आपसे फर्स्ट कॉल मांगेंगे, उस फर्स्ट कॉल में काम करना, 40 रुपीज़ ले आना। फिर आखिरी में हम आपसे सेकंड एंड फाइनल कॉल मांगेंगे, उसमें आप बचा हुआ बैलेंस ले आना, और बचे हुए बैलेंस से मेरा मतलब है क्योंकि टोटल 100 करना है तो 10 रुपीज़ बचे हैं वो और ले आना, 10 रुपीज़ बचे हैं वो और ले आना। इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में देना है पैसा, ऐसा नहीं है कि सारा पैसा एक साथ देना है, नहीं, इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है, आराम से आप पे कर सकते हो पैसा। अब एग्जाम्पल कोई अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं, अब आप समझ रहे हैं मेरा एग्जाम्पल, ये कंपनी है, ये कुछ लोग हैं जो शेयर इशू करने, जो शेयर्स की डिमांड रखते हैं। अगर आपके भी शेयर की डिमांड है तो आपको क्या करना होगा, आपको एक फॉर्म फिल करना होगा और रुपीज़ जो हमारा एप्लीकेशन अमाउंट तय हुआ है ₹20 पर शेयर के अकॉर्डिंग जितने आपको शेयर लेने हैं। मान लो ये जो पहले वाला बंदा ये कहता है सर मुझको 100 शेयर लेने हैं, तो पर शेयर 20 है, 100 का कितना हो गया 2000। तो एक काम करो, आओ यहाँ पर डिपॉजिट करा दो। क्या डिपॉजिट कराना है आपको, आपको फॉर्म डिपॉजिट कराना है प्लस आपको अमाउंट डिपॉजिट कराना है। नो डाउट आजकल इलेक्ट्रॉनिकल हो चुका है सब कुछ, फिर भी मैं आपको एक समझा रहा हूँ, एक प्रोसीजर समझा रहा हूँ। कंपनी एक पर्टिकुलर डेट रखती है कि हाँ जी चलिए मैंने 15 दिन 20 दिन का एक पीरियड रख लिया, इतने दिन तक मेरी खिड़की, मेरी ये विंडो ओपन रहेगी, उसके बाद ये विंडो क्लोज हो जाएगी, उसके बाद मैं एप्लीकेशंस नहीं लूँगा। कंपनी कहती है हम एप्लीकेशन नहीं लेंगे, तो उस जब तक वो विंडो ओपन है, यानी जो भी आपका एप्लीकेशन पीरियड है उसमें आपके पास, कंपनी के पास जितनी एप्लीकेशंस आएंगी वो चेक की जाएंगी, उसमें से अगर ज़्यादा आ गई तो आपको रिफ़ंड भी करनी पड़ सकती है या आप प्रोराटा करोगे, वो भी मैं टाइम आने पर बताऊँगा। अभी मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने 10,000 शेयर इशू किए थे और 10,000 की ही डिमांड आई है, इसके अलावा एक शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ है, इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की, ऑल शेयर्स वर ड्यूली अलॉटेड एंड All money is received। कहता है जो भी शेयर थे वो सब अलॉट कर दिए गए, जो भी पैसा था मिलना था वो मिल गया। सिंपल केस रखा है अभी मैंने, बिल्कुल सिंपल केस। अब आपको इसको जर्नलाइज करना बताता हूँ मैं कि कैसे सिंपल जर्नल एंट्री होंगी। देखो आंसर जर्नल फॉर्मेट आपको पता है, जर्नल का फॉर्मेट तो पता है ना, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले लोगों ने पैसा दिया होगा, फॉर्म दिए होंगे फॉर अप्लाइंग द शेयर्स, तो सबसे पहले कंपनी के पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक आया कंपनी का, बैंक इंक्रीज हो गया क्योंकि लोगों ने शेयर अप्लाई करने के लिए पैसा पे किया कंपनी को। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर्स थे, 10,000 शेयर्स थे, एक शेयर की एप्लीकेशन मनी 20 रुपीज़, तो मैं कह सकता हूं कि भाई 10,000 ₹20, तो 2 आ गया और 10,000
और एक जीरो, 2 लाख। नरेशन में आप लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। और ये किस चीज़ के रिलेटेड है कि जो आपको एप्लीकेशन का पैसा, यानी जो पैसा कंपनी को मिला है एप्लीकेशन की फॉर्म में, डन। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी इस पैसे को, शेयर एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफ़र कर देगी शेयर कैपिटल में। तो एंट्री निकल कर आएगी शेयर एप्लीकेशन, ये एक तरह से लायबिलिटी थी वो ख़त्म हो रही है। पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा कंपनी की कैपिटल में जा रहा है। और यहाँ पर कंपनी की जो कैपिटल होगी उसको सिर्फ कैपिटल नहीं बोला जाएगा, उसको शेयर कैपिटल बोला जाएगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख, 2 लाख बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, ये हमारी एंट्री नंबर 2 हो गई। एंट्री नंबर 3 में क्या होगा, एंट्री नंबर 3 में अब मेरी बात को ध्यान से समझना। सबसे पहले स्टेप पे लोगों ने पहले पैसा दिया, लोगों ने एप्लीकेशन का पैसा दिया, लेकिन अब लोग बाग पहले पैसा नहीं देंगे, अब पहले कंपनी पैसा कॉल करेगी। पहली बारी में तो बस यही नहीं पता था ना कॉल किससे करें, वहाँ तो हमें वेट करना था कि कौन वो लोग हैं जो हमारी कंपनी के शेयर्स में इंटरेस्टेड हैं। अब वो हमें पता लग गया जिन लोगों ने फॉर्म फिल करे हैं, जिन लोगों को हम शेयर्स देना चाहते हैं, अब कंपनी उनसे अलॉटमेंट का अमाउंट कॉल करेगी। तो अब की बार पहले पैसा आएगा नहीं, अब की बार पहले कॉल किया जाएगा अलॉटमेंट का पैसा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पैसा मंगा लो 10,000 पर, कितना है 30 था, तो 10,000 पे अलॉटमेंट के 30 रुपीज़ अगर कंपनी मंगाती है तो इन शॉर्ट 3 लाख हमने कॉल किया। बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, अलॉटमेंट का अमाउंट क्या हो गया, अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू हो गया। फोर्थ, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल हो गया, हो गया जी। फोर्थ पॉइंट, अब ये अलॉटमेंट का पैसा पब्लिक देगी, और क्योंकि अभी मैं सिंपल केस लेके चल रहा हूं तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जिन जिन से पैसा मांगा गया उन सबने पैसा दे दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये आएगा सेम अमाउंट 3 लाख, 3 लाख। बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड, being allotment amount received। अब allotment भी हो गई, अब first call का पैसा मांगेगी कंपनी। सिर्फ पहली जो एंट्री एप्लीकेशन की उस एंट्री में पहला पैसा आता है, फिर उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है, वरना उसके बाद जितनी एंट्रीज हैं उसमें पहले कंपनी पैसा मांगेगी फिर वो पैसा मिलेगा। अब कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी, एंट्री सेम चलेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 और 2 5, शायद 40 रुपीज़ मांगे थे जी, तो 40 का मतलब हो गया 4 लाख। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, आपकी फर्स्ट कॉल की मनी ड्यू हो गई। अब
इसके बाद ये पैसा मिला और मैंने एज्यूम किया है कि सारा पैसा मुझे ड्यूली मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, पूरा 4 लाख आपको रिसीव हो गया बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब सेम टू सेम आप 2 एंट्रियां और करेंगे और वो 2 एंट्री होंगी आपकी सेकंड कॉल की। पहले सेकंड कॉल का पैसा मंगाया जाएगा यानी ड्यू किया जाएगा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लास्ट 10 रुपीज़ बचे थे वो मंगाए गए 1 लाख बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। 8th एंट्री में ये पैसा आपको रिसीव हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 1 लाख बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक आपको। अब एक बार इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए कहाँ से शुरू किया था हमने आज का, पॉज एंड नोट, पॉज एंड नोट, पॉज एंड नोट। ये जो फीचर्स मैंने आपको कराए हैं ना, तो ये अभी मैंने कम ही कराए हैं जितना रेलिवेंस था अभी मेरे को क्लास को स्टार्ट करने के लिए, फिर मैं थ्योरी कराऊंगा तो मैं उसमें ही कराऊंगा आपको। पॉज एंड नोट, इशू ऑफ शेयर्स, पॉज एंड नोट, डन। अब मैं आप लोगों के साथ, अच्छा इसी में ही अगर मैं आपसे बोलता कि यार बैलेंस शीट बताना जरा कैसे बनेगी, एक तो आपको पता है कंपनी की बैलेंस शीट अलग बनती है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स में आप यहां पर लिखते हो सबसे पहले बैलेंस शीट जो कंपनी की बनती है उसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी में हमारे पास जो सबसे पहले आता है वो आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में हमारे पास सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल, और तो इसमें है नहीं, वैसे तो बहुत कुछ आएगा बट इस क्वेश्चन में अभी है नहीं और कुछ। सेकंड साइड मेरी जो आएगी बैलेंस शीट में वो होगी एसेट, एसेट में आप लोग ओपन करोगे करंट एसेट, करंट एसेट में आप लोग ओपन करते हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नोट्स की बात करूं तो यहाँ नोट्स चलेगा, यहाँ 1 यहाँ 2, आप नोट्स 2 अकाउंट पे आएंगे, पहला जो नोट होगा वो होगा आपका शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल में बेसिकली सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल बोले तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल हो गया जब कंपनी फॉर्म होती है ना, तो कंपनी को जब हम लोग फॉर्म करते हैं तो कंपनी को फॉर्म करते वक्त हम लोग लिखते हैं कि इस कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या रहेगी। जैसे मैं आपके साथ डिस्कस करूं इसको, मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड दीजिए मुझे। देखो जैसे कि
कंपनी आपने ना देखा होगा, आपने बचपन में भी सुना होगा, MOA होता है कंपनी का, AOA होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसमें क्या होता है, कंपनी के नाम लिखे होते हैं, कंपनी किस जगह पे रजिस्टर होगी वो लिखा होता है, इसके अलावा कंपनी क्या क्या बिजनेस करेगी वो लिखा होता है, और एक पॉइंट होता है आपके पास इसमें जहाँ पे हम लोग कैपिटल के बारे में डिस्कशन करते हैं कि कंपनी मैक्सिमम कितनी कैपिटल मंगाएगी। जैसे ये है, द ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 50 लाख, 50 लाख का मतलब हो गया रुपीज़ 50 लाख की कैपिटल है, डिवाइड होगी 5 लाख शेयर्स में, 10 रुपये का एक शेयर होगा। तो यानी अपनी लाइफ टाइम में जो कंपनी है वो मैक्सिमम 5 लाख शेयर इशू कर सकती है, और वो जो 5 लाख शेयर होंगे, एक शेयर की वैल्यू क्या होगी, 10 रुपये, 10 रुपीज़। तो टोटल जो अमाउंट कलेक्ट कर सकती है कंपनी बाय इशूइंग इट शेयर वो होगा 50 लाख। इसे कहते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल। क्या ऑथोराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी MOA अल्टर करना होता है, आप उसको चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब कंपनी फॉर्म होती है तो आपको बताना पड़ता है कि कितनी कैपिटल आपको रखनी है या उस समय क्या कैपिटल है। नीचे उसमें सब्सक्राइबर्स होते हैं कुछ इस तरीके से, इसको अभी हम नहीं देखते हैं, क्लाइंट फाइल है, ठीक है जी, लीव कर देते हैं इसको। हाँ जी, तो ये आपकी ऑथोराइज शेयर कैपिटल है। क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, तो मैं क्या काम करता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ 1 लाख ही है, 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 लाख, इसको आप यहीं बंद कर देंगे। ऑथोराइज के बाद आता है आपके पास इशूड। ऑथोराइज तो हो गया कि मैक्सिमम आप कितना मंगा सकते हो, इशूड हो गया आप कितना आपने मैक्सिमम इशू किया हुआ है, कितना आपने मैक्सिमम इशू किया है। तो हमारे इस क्वेश्चन में कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे, 1 लाख शेयर्स इशू किए थे ऑफ रुपीज़ 10 ईच, 10 रुपये का एक शेयर है, कंपनी ने टोटल 10 लाख के शेयर इशू किए थे। आप इसे भी ऐड नहीं करते हो, सिर्फ लिख के छोड़ देते हो। फिर आती है हमारे पास सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अच्छा, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का मतलब हो गया कंपनी ने इशू किए 1 लाख शेयर। जरूरी नहीं है कि जितने कंपनी ने इशू किए लोगों ने भी उतने ही मांग लिए, मांग लिए मतलब लोगों ने उतने ही सब्सक्राइब कर लिए। तो सब्सक्राइब और इशू कई बार अलग अलग हो सकता है, हमारे एग्जांपल में सब्सक्राइब और इशू अभी सेम चलेगा, ये ध्यान रखना। तो कितना सब्सक्राइब किया था लोगों ने, दो पार्ट में हो जाता है वैसे तो, ये मैं आपको लिखवा देता हूँ, सब्सक्राइब बट नोट फुल्ली पेड अप। यानी मान लो किसी ने 10,000 शेयर सब्सक्राइब तो कर लिए लेकिन उसने उस पर पूरे 100 रुपीज़ अभी पे नहीं किए, तो वो कहलाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। हमारे एग्जांपल में अभी ये है नहीं। और दूसरा होता है हमारे पास सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, जहाँ पर जितने सब्सक्राइब किए सारे फुल्ली पेड अप हैं। ये वाला हमारे पास है 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच, 10 लाख, और इसी का ही टोटल, यानी ये आप यहाँ पे जो अमाउंट आएगा और ये वाला अमाउंट, इन दोनों का ही टोटल आपका जाएगा किस में, बैलेंस शीट में, कैपिटल में 10 लाख। दूसरा जो मैंने नोट बनाया था आपके लिए वो था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसमें मैं आपके लिए बैंक अकाउंट भी बना सकता हूं, सबसे पहले पैसा आया था कहां का, एप्लीकेशन का 2 लाख, उसके बाद पैसा आया शेयर अलॉटमेंट का 3 लाख, फिर पैसा आया था शेयर फर्स्ट कॉल का
4 लाख, एंड लास्ट में पैसा आया था शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का 1 लाख। टोटल अमाउंट जो हमारे पास आ रहा होगा बाय बैलेंस सीडी वो आ रहा होगा 10 लाख। और यही 10 लाख आपको उठाकर यहाँ पर लिखना था जिससे हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइड टैली हो जाती। तो अभी तो सिंपल क्वेश्चन था, बट मैंने कहा आपको हिंट दे देता हूँ कि कंपनी के चैप्टर में यानी बेसिकली शेयर्स वाले चैप्टर में किस तरीके से आपके पास बैलेंस शीट बनाने को आ सकती हैं। नोट कीजिएगा एक बार इसको, पॉज एंड नोट। ये आपकी शेयर कैपिटल, देन बैंक अकाउंट। क्लियर है जी यहाँ तक? सर बिल्कुल क्लियर है, समझ आ गया है, डन, वेरी गुड। अब मैं आप लोगों के साथ आगे बढ़ता हूँ एक और टॉपिक की तरफ, शेयर्स कैन बी इशूड एट शेयर्स इशू हो सकते हैं किस पे, फेस वैल्यू पे, प्रीमियम पर एंड डिस्काउंट पर। शेयर्स को जब आप इशू करते हो तो इशू किया जा सकता है फेस वैल्यू पर, प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर। और ये जो डिस्काउंट है ना सर, हर बार आप शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते हो, बल्कि सिर्फ बहुत ही स्पेशल केसेस होते हैं जहां पर शेयर डिस्काउंट पर इशू होता है। तो इसलिए अभी जनरल टर्म्स के लिए मैं डिस्काउंट को हटा देता हूँ। हालांकि पहले आप देखोगे कंपनीज एक्ट 2013 से पहले शेयर्स डिस्काउंट पर इशू हो सकते थे, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद कंपनीज एक्ट ने यानी कि हमारे ROC ने, MCA ने मना कर दिया कि नहीं जी नहीं, आप शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते, या तो शेयर इशू होंगे फेस वैल्यू पर या फिर शेयर इशू होंगे प्रीमियम पर। अब मान लो मैं कहता हूँ आपके पास फेस वैल्यू है ₹10। फेस वैल्यू क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया कि जब आप MOA यानी कंपनी फॉर्म करते हो तो आपको बताना पड़ता है नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे कंपनी के और एक शेयर की फेस वैल्यू क्या रहेगी। तो ये फेस वैल्यू बेसिकली अगर कुछ भी गिवन नहीं होता तो 10 मान ली जाती थी। अगर आपने फेस वैल्यू पर ही इशू किया है तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो फेस वैल्यू है वो बराबर है इशू प्राइस के, जो फेस वैल्यू है वो बराबर है इशू प्राइस के। लेकिन प्रीमियम का मतलब होता है ज़्यादा पे, तो यहाँ पर क्या होगा, फेस वैल्यू कम रह जाएगी और इशू प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। फेस वैल्यू कम रह जाएगी और इशू प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, ये दिक्कत हो जाएगी। प्रीमियम मान लो ₹2 का प्रीमियम है तो मैं कह सकता हूँ फेस वैल्यू 10 है लेकिन आपने इशू कितने पे किया, 10 + 2 12 पर। डिस्काउंट होता है कम पर इशू करना, अभी डिस्काउंट पिक्चर में नहीं है तो मैं उसको नहीं शो कर रहा, डन। बेसिकली अगर आप इशू कर रहे हो एट प्रीमियम पर, अगर आप इशू कर रहे हो एट प्रीमियम तो उस केस में हमारी जो एंट्री निकल कर आती है ना, और बेसिकली मान के चलो कि आपने इशू किया है प्रीमियम पर एट अलॉटमेंट, भाई आप एप्लीकेशन पे नहीं मांग रहे हो प्रीमियम का पैसा, आप किस पे मांग रहे हो, अलॉटमेंट पे मांग रहे हो। तो जो अलॉटमेंट की एंट्री होती थी क्या एंट्री होती थी, याद करो, पहले ड्यू की एंट्री होती थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब मान लो मैं इसी क्वेश्चन की बात करता हूं तो फेस वैल्यू आ गई 10, ₹2 प्रीमियम आ गया तो यहां पे आ जाएगा 12। ये तब है जब अगर सारा पैसा अलॉटमेंट पे आ रहा है, तो फिर आपको पैसा रिसीव होगा तो आपकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
₹12 आपको रिसीव हो गए। कुछ इस तरीके से प्रीमियम की एंट्री नज़र आती है, ये प्रीमियम आपका यहाँ पर क्रेडिट होगा, ध्यान रखना, और ये उसी एंट्री की ड्यू में रिकॉर्ड होगा, उस इंस्टॉलमेंट की ड्यू में रिकॉर्ड होगा जिस पे आपने प्रीमियम मंगाया है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये इशू एट प्रीमियम होता है, फेस वैल्यू पे भी इशू हो सकता है और प्रीमियम पर भी इशू हो सकता है। डिस्काउंट पर कंपनीज एक्ट 2013 ने मना कर दिया, तो डिस्काउंट पर इशू नहीं होगा आपका शेयर। यहाँ तक सर क्लियर हो गया है हमको? बिल्कुल। अब एक टॉपिक और समझो, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन ये होता है कि आपने जो शेयर इशू किए थे, कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर्स, लेकिन लोगों ने जो अप्लाई किए शेयर्स वो ज़्यादा हैं। मान लो लोगों ने 15,000 शेयर्स अप्लाई करें, इस सिचुएशन को कहा जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। कि कंपनी ने इशू तो किए थे सिर्फ 10,000, कंपनी देना चाहती थी सिर्फ 10,000, लेकिन लोगों की तरफ से डिमांड आ गई 15,000 की, तो 15,000 की जो डिमांड आ गई, तो ये 5,000 ज़्यादा की डिमांड आई है। अब कंपनी को डिसाइड करना है कि क्या करें इन 5,000 का, क्योंकि देखिए कंपनी ने अगर एक बार बोल दिया कि वो 10,000 शेयर इशू करेगी, तो कंपनी 10,000 शेयर ही इशू करेगी। ऐसा नहीं है कि जितने की डिमांड आई है कंपनी ने कहा चलो यार ये तो बहुत अच्छा है, 15,000 की डिमांड आ गई, ये काम करो 15,000 के 15,000 इशू कर दो। नहीं सर, अगर कंपनी ने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि 10,000 शेयर इशू होंगे, तो 10,000 शेयर ही इशू होंगे। तो रिमेनिंग जो 5,000 है उसका क्या करना है, ये एक बड़ा सवाल बनता है। यहाँ पर बेसिकली तीन ऑप्शंस आ जाते हैं कंपनी के हाथ में। पहला और सबसे सरल, रिजेक्ट एंड रिफंड, रिजेक्ट एंड रिफंड द एक्सेस शेयर्स। जो भी फालतू शेयर्स हैं आपके पास, जितने भी फालतू शेयर्स हैं उनको क्या कर दो, उनको रिजेक्ट कर दो। सेकंड होता है प्रोराटा। प्रोराटा बेसिकली क्या है, एडजस्ट एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन फ्यूचर कॉल्स। बताऊं आपको, ये समझाऊं पहले तभी आगे समझ आएगा ना आपको। प्रोराटा जैसे इसी वाले एग्जांपल को रखो, मैंने इशू किए थे 10,000, लोगों ने अप्लाई कर दिए 15,000, एप्लीकेशन पे ₹10 मांगे गए, 10 का तो शेयर ही रख लो, एप्लीकेशन पे ₹3 मांगे गए, अलॉटमेंट पे ₹4 मांगे गए, फर्स्ट कॉल पे ₹3 मांगे गए, डन। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई एक शेयर होल्डर है, अ शेयर होल्डर, अ शेयर होल्डर मिस्टर बी अप्लाइड फॉर 9,000 शेयर्स, अ शेयर होल्डर मिस्टर सी अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स। दो शेयर होल्डर हैं, एक ने 9,000 अप्लाई किए, एक ने 6,000 अप्लाई किए। जब दोनों का टोटल किया गया तो पाया गया कि भैया जो टोटल अप्लाई हैं वो इशू से ज़्यादा है। कंपनी दोनों को, मिस्टर बी ने जो मांगे हैं 9,000, तो उसको 9,000 नहीं दे सकते। कंपनी सी को जिसने 6,000 मांगे हैं शायद पूरे 6,000 नहीं दे सकते। हमें यहाँ पर कुछ ऐसा करना है कि दोनों खुश हो जाए, कोई भी नाराज ना हो।
कंपनी ने कहा एक काम करो प्रोराटा लगा दो, यानी रेशियो अलॉटमेंट कर दो। कंपनी ने कहा रेशियो निकाल लो। रेशियो कैसे निकाल लो? कंपनी ने कहा देखो एक चीज़ बताओ, हम कैसे दे सकते हैं? हम 10 दे सकते हैं 15 के बदले, हम 10 दे सकते हैं 15 के बदले, यानी हम कह सकते हैं कि हम 2 दे सकते हैं 3 के बदले। जिन लोगों ने 3,000 शेयर मांगे होंगे और जिन लोगों ने 3 शेयर मांगे होंगे उनको 2 शेयर दिए जा सकते हैं, ये रेशियो निकल कर आई। मिस्टर बी आपने कितने मांगे थे? कहता मैंने 9,000 मांगे थे। ठीक है, जिसने 3 मांगे हैं उसको 2 दे दो। तो मिस्टर बी को कितने शेयर अलॉट कर दिए गए? मिस्टर बी को 6,000 शेयर अलॉट कर दिए गए। मिस्टर सी आपने कितने मांगे थे? मिस्टर सी भी डरता डरता कह रहा है सर मैंने 6,000 मांगे थे। ठीक है, 3 के बदले 2, मिस्टर सी को 4,000 शेयर दे दो। अब आप देखो टोटल जो अलॉट हुए वो कितने हैं? इशू के बराबर 10,000, जितने इशू थे उसके बराबर हो गए। डन, ख़त्म कहानी यहाँ तक। 6,000, 4,000, 10,000 हो गया, बहुत बढ़िया रहा। अब सवाल आएगा मिस्टर बी के मन में, मिस्टर सी के मन में भी आएगा, ऐसा नहीं है कि मिस्टर सी जो है वो ज़्यादा होशियार है। मैं मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाता हूँ। मिस्टर बी कहता है सर ये तो मैंने समझ लिया आपकी बात, हमने मना नहीं करा, लेकिन मैंने जो पैसा दिया था वो तो 9,000 रुपये दिए थे और आपने मुझे 6,000 शेयर दिए हैं, बस ये क्या बात हुई सर? मेरा बाकी पैसा क्या करो, रिफ़ंड करोगे क्या? नहीं जी नहीं, रिफ़ंड पॉलिसी नहीं है हमारी। मिस्टर बी आप मुझे ये बताओ, मिस्टर बी आपसे अमाउंट कंपनी को कितना रिसीव हुआ? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर बी। मिस्टर बी ने बोला सर मैंने 9,000 शेयर दिए थे, मांगे थे, जिस पे मैंने एप्लीकेशन का अमाउंट ₹3 आपको पे किया था, यानी मैंने टोटल आपको 27,000 पे किए थे। हमने बोला, कंपनी ने बोला बिल्कुल सर हम मना नहीं कर रहे, आपने 27,000 पे किए थे। एप्लीकेशन पर कितना एडजस्ट हो गया? एप्लीकेशन पर 6,000 शेयर हमने उनको दिए, 6,000 पे 3 के हिसाब से 18,000 एडजस्ट हो गया, यानी आपने कहीं ना कहीं 9,000 एक्सेस दिया हुआ है। मिस्टर बी आपने कहीं ना कहीं 9,000 एक्सेस दिया हुआ है। मिस्टर बी कहता बिल्कुल सर, यही 9,000 मैं वापस मांग रहा हूँ। वापस नहीं आएगा सर, वापस नहीं आएगा। मुझे बताओ ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जब मैं अलॉटमेंट पे पैसा मांगेगी कंपनी तो आपसे कितना मांगेगी? भाई मेरे को 6,000 मिले हैं। मिस्टर बी कहता है मुझे 6,000 शेयर मिले हैं, तो मुझसे 6,000 पे 4 रुपये मांग लेगी कंपनी? बिल्कुल सर, तो 24,000 आपको देंगे ना मुझे अलॉटमेंट पे? मिस्टर बी दोगे कि नहीं, कि नियत में कोई खोट है? नहीं सर कोई खोट नहीं है, बिल्कुल दूंगा। तो अब आप ये लगा लो कि उस 24,000 में से ये 9,000 एडजस्ट कर लो, ये 9,000 जब आप एडजस्ट कर लोगे उस 24,000 में से तो आपके पास कितना बचेगा? आपके पास कहीं ना कहीं बचेगा सर 15,000 अमाउंट टू बी पेड बाय मिस्टर बी ऑन अलॉटमेंट, ये आप दे देना सर। इसको कहा जाता है प्रोराटा। प्रोराटा में दो चीज़ें कवर होती हैं, एक रेशियो, उसी रेशियो को यूज़ करके शेयर्स कैलकुलेट किए जाते हैं, और दूसरा ये एडजस्टमेंट। ये दो चीज़ें होती हैं, इनको प्रोराटा कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए जी, अब मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूँ, आइएगा। क्वेश्चन को देखने से पहले एक काम और बताओ मुझे, कि जो हमने ये ओवर सब्सक्रिप्शन में 3 ऑप्शन थे ना, एक तो रिजेक्ट का था, एक प्रोराटा का था, और तीसरा होता है ऑप्शन 1+ ऑप्शन 2, यानी इसको और इसको दोनों को मिलाकर आप कर सकते हो। मेरा सवाल है जब आप रिफंड करोगे, मान लो इन द सेम केस, मान के चलो इन सेम केस कंपनी
decided to reject excess 5000 shares. 5000 फालतू आए थे ना, कंपनी ने कहा रिजेक्ट कर देंगे. ठीक है जी, रिजेक्ट कर दो. क्या एंट्री होगी, आप ऐसे समझो, पहले एंट्री होगी आपके पास, सबसे पहले एंट्री क्या रहती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. जो टोटल पैसा आता है, टोटल पैसा 15000 शेयर पर आया था, सिर्फ एप्लीकेशन का अमाउंट 15000 इंटू 3, 45000 आया था कंपनी के पास. सारा आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि सबके आप शेयर इशू नहीं कर रहे हो. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू बैंक. अब यहाँ पर कैसे आएगा, टोटल पैसा था 45, लेकिन कितने शेयर हैं जो आपके इशू होंगे, 10000, तो उस पर 30 के हिसाब से 30000. कितने एक्सेस हैं जो रिजेक्ट करने हैं, 5000 इंटू 3, 15000. ये तो था अगर कंपनी ने डिसाइड किया है टू रिजेक्ट द शेयर. लेकिन अगर हम प्रोराटा के केस में आप मेरे से एंट्री पूछो, इन केस ऑफ प्रोराटा, तो प्रोराटा में तो रिजेक्ट हुआ नहीं, पहली एंट्री तो सेम रहेगी, पैसा टोटल आया आपके पास, आपके मतलब कंपनी के पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 45 45. सेकेंड एंट्री जो आएगी हमारे पास, वो आएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. और जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आप कहाँ का मान रहे हो, पहले ही अलॉटमेंट का, तो टू बैंक की जगह क्या आ जाएगा, टू बैंक की जगह टू शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा, 45 30 50. डन, नोट कर लो एक बार. ये यहाँ से आपको नोट करना है, एक बार नोट कर लो साथ के साथ. शेयर्स कैन बी इशूड एट फेस वैल्यू, इशूड एट प्रीमियम, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा रेशियो, चलिएगा कुछ क्वेश्चंस इस पे देख लेते हैं. अब क्वेश्चंस हैं आपके पास, आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं. देखो पहला क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चन है, वो मैं नहीं कराऊंगा, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर टू देखना. एबीसी कंपनी लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल ₹2.5 ऑन एप्लीकेशन, ₹7.5 ऑन अलॉटमेंट फॉर ईच शेयर. टोटल 20,000 शेयर्स हैं जो कि कंपनी ने ऑफर किए हैं फॉर सब्सक्रिप्शन. ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन का मतलब हो गया कंपनी ने इशू किए हैं 20,000 शेयर्स, ₹10 का एक है. पेबल होगा 2.5 ऑन एप्लीकेशन एंड 7.5 ऑन अलॉटमेंट फॉर ईच शेयर. एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर, एप्लीकेशन जो रिसीव हुई वो 30,000 शेयर्स की रिसीव हुई, तो एक्सेस आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया. लेटर ऑफ रिग्रेट वर इशूड टू द एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर. लेटर ऑफ रिग्रेट का मतलब हो गया कि जी माफीनामा है, हम आपको शेयर इशू नहीं कर सकते, यानी रिफंड करेंगे, रिजेक्ट करेंगे. एंड देयर एप्लीकेशन मनी वॉज रिटर्न टू दैम. जो बचे हुए बाकी अदर 5,000 शेयर्स हैं, वर अप्लाई टूवर्ड द पेमेंट फॉर अलॉटमेंट मनी. वर अप्लाई टूवर्ड द पेमेंट फॉर अलॉटमेंट मनी का मतलब है प्रोराटा कर दिया गया. एंड ऑल द 20,000 शेयर्स वर इशूड टू द पब्लिक. बैलेंस ऑफ द अलॉटमेंट मनी वॉज ऑल्सो रिसीव्ड इन ड्यू टाइम. यू आर आस्क्ड टू गिव द जर्नल एंड कैश बुक ऑफ द कंपनी. अभी थोड़ी देर के लिए ये इग्नोर कर दो कि आपसे कैश बुक मांगी है, बस आप ये याद रखो कि आपसे जर्नल मांगी है, मैं बताऊंगा क्यों. तो आइएगा, आंसर नंबर टू. जर्नल डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट
क्रेडिट। देखते हैं, कैश बुक को इग्नोर करूंगा अभी, पहले सिंपल एंट्रीज रखूंगा। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन पे पैसा आएगा उसकी एंट्री होगी सबसे पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर इशू किए, 20, तो क्या पैसा भी 20 पर आएगा, बिल्कुल नहीं, द आंसर इज नो। पैसा आएगा जितने आपने अप्लाई किए, आपने कितने अप्लाई किए थे, लोगों ने अप्लाई किए थे टोटल 30,000 शेयर, तो पैसा आएगा 30,000 शेयर 2.5 एप्लीकेशन पे है, तो 30,000 इंटू 2.5 65,000 का अमाउंट आया आपके पास एप्लीकेशन का, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री, अब इस पैसे को ठिकाने लगा दो, इस पैसे को जहां जाना है वहां भेज दो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा, कुछ पैसा रिजेक्ट हो गया टू बैंक अकाउंट, और कुछ पैसा आपने एडवांस मान लिया प्रोराटा के लिए अलॉटमेंट की फॉर्म में टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल पैसा कितना था, 65,000। टोटल पैसा कितना था, 65,000। इस 65,000 में से कितना आपको आगे भेजना है, टोटल 20,000 ही इशू हुए हैं। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आएगी, जितने इशू हुए हैं मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, 2.5 दो दुनी 4 एंड 50। बैंक में आएगा जो रिजेक्ट हुए, 5,000 रिजेक्ट हुए, तो 2.5 के हिसाब से 12,500 एंड 12,500, अच्छा ये 75 होगा, डन। बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। थर्ड, अब मैं अलॉटमेंट का पैसा मंगाऊंगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मैंने अलॉटमेंट का पैसा मंगाना है, क्या 30,000 रुपये मंगा लोगे, सर जूते पड़ेंगे, आपने 30,000 शेयर इशू करे हैं क्या, नहीं, आपने कितने शेयर इशू करे हैं, आपने 20,000 शेयर इशू करे हैं नालायको, अगर 20,000 इशू करे हैं तो कॉल भी तो 20,000 वालों को ही करोगे कि भाई अपना अगला पैसा दे जाओ, यानी अलॉटमेंट का पैसा दे जाओ, तो 150,000 आपको कॉल करा गया, आपने कॉल किया कंपनी ने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्या सारा पैसा मिलेगा, क्यों मिलेगा सारा पैसा सर, इसमें से कुछ पैसा तो आपको एडवांस मिला हुआ है, ये वाला पैसा तो आपको एडवांस मिला हुआ है, तो वो क्यों मिलेगा, वो 12,500 हटा दो, हाँ बाकी जो बचेगा वो मिलेगा आपको 137,500 आपको रिकवर होगा। ये आंसर था आपके पास, देख लीजिए, अभी सिंपल था क्योंकि दो ही कॉल थी हमारे पास, तो मैंने दोनों दो ही कॉल रखी, एक आपकी एप्लीकेशन और एक आपकी अलॉटमेंट। नोट कीजिए, पॉज एंड नोट, पॉज एंड नोट। अब इसी क्वेश्चन में मैंने आपको ये कैशबुक वाले को इग्नोर करने को बोला था, अब आ जाओ अगर यही क्वेश्चन आप कैशबुक के अकॉर्डिंग करोगे तो, आपने नोट कर लिया होगा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, नहीं करा है तो फिर कर लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसको रब कर दूंगा अभी एकदम, ये आपके पास बचेगा नहीं फिर, ठीक है जी। अगर यही क्वेश्चन आपका कैशबुक के साथ बनता, तो जब आप कैशबुक बनाते, कैशबुक का फॉर्मेट
पर्टिकुलर अमाउंट कैश बुक पर्टिकुलर अमाउंट। अब जितनी भी आपकी कैश की या बैंक की एंट्रियाँ हैं वो आपको हटानी है। जैसे ये जो पहले वाली एंट्री है, क्योंकि जब आप कैश बुक बनाते हो तो कैश से रिलेटेड जो भी एंट्रीज हैं फिर उनकी जनरल एंट्री पास नहीं होती। मैंने आपको कैश बुक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था। तो अब ये जो पहले वाली एंट्री है ये यहाँ पर आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना अमाउंट है 75,000। और इट मींस ये वाली एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये वाली एंट्री आपकी कैश बुक में हो गई है। सेकंड वाली आ जाओ, सेकंड वाली में भी जो आपकी बैंक की एंट्री है जो आपने रिजेक्ट किया है वो यहां पर नहीं होगी। आप इधर शो करोगे उसको बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12,500, यानी ये भी यहां से हट जाएगी। और इसमें से भी आप 12,500 माइनस करके सिर्फ 62,500 लिखोगे। अगर कैश बुक बनानी है तो कैश की और बैंक की एंट्रीज आप जनरल पास नहीं करोगे। फिर ये फोर्थ वाली जो एंट्री है ये भी हट जाएगी, जो आपको शेयर अलॉटमेंट पे पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, इसको भी हटा लोगे आप। 137,500 यहाँ पर आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट। अब आप इसका टोटल करेंगे 500, 212,500 माइनस 12,500, तो 2,00,000 आपका बैलेंस सीडी बचा है। देख रहे हैं आप, ये चेंजेस आ जाते हैं। सिर्फ दो एंट्री ऊपर होंगी और बाकी एंट्री नीचे होंगी अगर कैश बुक बना रहे हो तो। दोबारा नोट कर लो इसको, डन चलिएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं आपके साथ और अब थोड़ा सा प्रीमियम पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अब हम वाई कंपनी इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपये का एक शेयर इशू किया गया, फेस वैल्यू 10 रुपये थी, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10। तो जो इशू प्राइस आएगा आपके पास वो इशू प्राइस आएगा 10+10, ₹5 एप्लीकेशन पर, ₹15 अलॉटमेंट पर, और अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम इंक्लूड है। एप्लीकेशन पर रिसीट फॉर 12,000 शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। 2,000 शेयर को सेंड कर दिया गया लेटर ऑफ रिग्रेट, उनको बोला जी हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे, हम आपको शेयर्स नहीं दे पाएंगे। डन, आओ आंसर नंबर 3। जर्नल ही चलेगी, पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट। सबसे पहली एंट्री 12,000 शेयर के लिए आपके पास पैसा आया एप्लीकेशन का, तो पहली एंट्री आपके पास हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना अमाउंट आना है 12,000 शेयर पे 5 रुपये आने हैं।
12,000 इंटू 5 60,000 सेकेंड, अब यहाँ पर आपने रिटर्न कर दिया है पैसा, रिफंड कर दिया है आपने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो रिफंड किया है वो चला जाएगा टू बैंक अकाउंट में। टोटल 60,000 था, उसमें से सिर्फ 10,000 पे ही अलॉट हो पाएगा 50,000, रिमेनिंग जो 2,000 है उस पर 5 रुपये के हिसाब से 10,000 आपका रिफंड हो गया। थर्ड, अब आप अलॉटमेंट पे पैसा मांगोगे और अलॉटमेंट पे जो पैसा मांग रहे हो वो प्रीमियम इंक्लूड है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब कितने शेयर पे आएगा, 10,000 पे 15 रुपये, 10,000 इंटू 15 150, 10,000 इंटू 5 फेस वैल्यू है यहाँ पर और 10 रुपये प्रीमियम है, 10 रुपये 50,000 1 लाख, ये आपका प्रीमियम हो गया और ये आपकी फेस वैल्यू हो गई, डन। फोर्थ एंट्री, पैसा आपको मिल गया, हम यही एज्यूम कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 150 मिलना था, 150 आपको मिल गया, डन, नोट कीजिए। और क्वेश्चंस देखते हैं जरा, कोई अच्छा सा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। एक्स कंपनी इशूड रुपीज 10 लाख न्यू कैपिटल डिवाइडेड इनटू रुपीज 100 शेयर, तो यहाँ पे आपको अमाउंट गिवन है, यहाँ पर आपको अमाउंट गिवन है कि टोटल जो कैपिटल है वो कितनी है, रुपीज 10 लाख, डिवाइड होगी 100 रुपीज़ के एक शेयर पे, इशू होगी 20 रुपीज़ के प्रीमियम पे पर शेयर, पेएबल रुपीज़ 10 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 40 पर शेयर एंड रुपीज़ 10 ऑन अलॉटमेंट, यानी 50 हो गया, 50 प्लस 40 90, 40 10 50 10 60 देन 50 एंड 10 ऑन फाइनल पेमेंट, डन। ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाई टू वर्ड द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो भी फालतू पैसा आएगा एप्लीकेशन पे वो अलॉटमेंट पे हो जाएगा। अगर ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट पे भी पूरा नहीं पड़ता तो आपको रिटर्न करना पड़ जाएगा। वेयर नो अलॉटमेंट वॉज मेड मनी वॉज टू बी रिटर्न इन फुल, और अगर आपने अलॉटमेंट नहीं की है तो आप पूरा का पूरा रिफंड करोगे ही फुल में। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर, इशू जो है वो ओवर सब्सक्राइब है टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर, एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड ओनली 1,000 शेयर्स, अब ओवर सब्सक्राइब है 13,000 से, यानी कि अगर मैं यहां पर देखूंगा 1,000,000 डिवाइड बाय 10 तो नंबर ऑफ शेयर कितने आएंगे, 10,000, 13,000 से ओवर सब्सक्राइब का मतलब है कि आपके पास डिमांड कितने की आई, 23,000 की, एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड ओनली 1,000 शेयर्स, जिन लोगों ने 12,000 शेयर मांगे उनको सिर्फ 1,000 शेयर दिए गए, जिन लोगों ने 2,000 शेयर मांगे उनको लेटर ऑफ रिग्रेट दे दिया गया, हाथ जोड़ के माफ़ीनामा, हमें आपकी शक्ल पसंद नहीं आई, आपके शेयर्स हम नहीं इशू करेंगे, ऐसे नहीं होता, शक्ल पे नहीं होता वो, तो मैं वैसे ही एज्यूम कर रहा हूँ। Application deposits were returned to them. All the money due on allotment and final call was duly received. Make the necessary entries in the books of the company. बहुत प्यारा क्वेश्चन, आंसर नंबर 6। आंसर नंबर 6। डेट प
पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट। अगर थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को समराइज करूं तो हमारा जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके से था कि इशूड शेयर्स 10,000 थे। अगर आपको 10,000 में डाउट है तो ये वाली लाइन आपकी मदद करेगी। 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो ये 2 जीरो गई तो 10,000 शेयर्स आ गए। लेकिन जो लोगों की तरफ से एप्लीकेशन आई, जो प्यार आया अप्लाइड शेयर्स का, वो 13,000 ज़्यादा से आया। यानी 10 + 13 कितने अप्लाई किए लोगों ने शेयर, टोटल 23,000 शेयर्स अप्लाई हुए। आपने किस तरीके से इसको एडजस्ट किया है वो भी एक आर्ट है, एक कला है। देखो, आपने बोला कि भैया जिन्होंने 12,000 मांगे हैं उनको 1,000 दूंगा, बड़ी नाइंसाफी है पर दूंगा। एंड एप्लीकेंट फॉर 2,000 शेयर्स वर सेंट अ लेटर ऑफ रिग्रेट, जिन्होंने 2,000 मांगे हैं तुम तो कंगले हो, तुम्हें नहीं दूंगा कुछ भी। इसके आगे कहानी ने मोड़ लिया क्योंकि कुछ बताया नहीं क्या है। अब मुझे पता है यहाँ पर टोटल अप्लाइड कितने हैं, 23, टोटल इशूड कितने हैं, 10,000। तो 12 और 2 = 14, तो ये आपका बैलेंस आ गया 9,000 जिन्होंने अप्लाई किए होंगे। यहाँ भी बैलेंस वही आ गया, उनको 9,000 ही मिल गए। कहानी अभी ख़त्म नहीं होती सर। एप्लीकेशन पर कितना पैसा था, 10 रुपीज़। अलॉटमेंट पर कितना पैसा था, 40 + 10 यानी 50, 40 + 10। फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा था, 50 + 10 यानी 60, क्योंकि 20 रुपीज़ का टोटल प्रीमियम था तो 120 आ गया, 100 + 20। ये कहानी है, ठीक है। अब सबसे पहली अगर मैं आपके से एंट्री पूछूंगा तो आप कहेंगे सर एप्लीकेशन का जो पैसा आया अप्लाइड शेयर्स पर उसकी एंट्री होती है, बिल्कुल होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन नंबर ऑफ शेयर 23,000, एप्लीकेशन पे 10 रुपये, 2,30,000 आपके पास टोटल आया। अब इससे पहले कि आप सेकंड एंट्री करोगे आपको कहानी को समझना पड़ेगा, क्योंकि उसने एक जगह बहुत प्यारी एक लाइन लिखी थी कि ओवर पेमेंट, ये जिसको मैं रब कर रहा हूँ और जिसको मैं दूसरे कलर से यूज हाईलाइट कर रहा हूँ, ओवर पेमेंट वर अप्लाइड टूवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर टू बी रिटर्न। इसको समझना सर, हिंदी में मतलब है कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आया, उस एक्स्ट्रा पैसे को अलॉटमेंट पे लगाओ, लेकिन अगर अलॉटमेंट से भी ज़्यादा है तो रिफंड कर दो। अमाउंट टू बी रिटर्न्ड। देखो, एक तो इसमें बहुत सिंपल था, वो 2,000 शेयर्स ये वाले, ये तो सीधा सीधा रिफंड हो ही गया, इसमें तो कोई कहानी है ही नहीं। एट द रेट ऑफ रुपीज़ 10 ईच, तो ये तो 20,000 आपका रिफंड हो गया, इसमें तो कोई कहानी नहीं है। कहानी है दूसरे वाले में। दूसरे वाले से मेरा मतलब है वो लोग जिन्होंने 12,000 अप्लाई किया था, 12,000 शेयर्स अप्लाइड, कहानी है इसमें। समझना कैसे, अमाउंट रिसीव्ड, इन 12,000 वालों से
₹10 आपको मिले होंगे तो कितना, 1,20,000 आपको मिला, जिसमें से कि आपने एप्लीकेशन पे कितना एडजस्ट करना है। सर आपने उनको शेयर ही सिर्फ 1,000 दिए तो एप्लीकेशन पे सिर्फ 10,000 एडजस्ट होगा, रिमेनिंग का 1,10,000 उनकी तरफ से सरप्लस आ गया, जो कि आपने बोला था कि आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट करोगे। अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हो गया, 1,000 शेयर पे अलॉटमेंट पे कितना मांग लोगे मैक्सिमम, जितना उतना मांग लोगे, तो ₹50 आप यहाँ एडजस्ट कर लोगे। अभी भी एक्सेस हैं, एक्सेस टू बी रिफंड, वो आपको रिफंड करना है। आती है कहानी समझ में, आती है ना, ये होती है मेन कहानी। तो 60,000 ये रिफंड करना है और 20,000 ये रिफंड करना है, तो टोटल जो रिफंड करना है वो 80,000 रिफंड करना है। और एडजस्ट कितना करना है, एडजस्ट 50,000 करना है। आ जाओ सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे टोटल अमाउंट आएगा 2,30,000। यहाँ पर आएगा जितने आपने एक्चुअली में इशू किए सिर्फ 10,000 इंटू 10 1,00,000, फिर जो आपने रिफंड किया वर्किंग नोट पे चले जाना, टोटल मैंने बताया आपको 80,000 रिफंड होगा। वो पैसा जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा टू शेयर अलॉटमेंट, उसके लिए भी वर्किंग नोट पे चले जाना, मैंने बताया आपको 50,000 एडजस्ट होगा। इम्पॉर्टेंट एंट्री थी थर्ड। अब मैं आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांगूंगा, कंपनी आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांग रही है, शेयर अलॉटमेंट, और इस पर प्रीमियम है ये भी ध्यान रखना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कितने शेयर 10,000, अलॉटमेंट पे टोटल अमाउंट कितना मांगना है 650, तो 10,000 इंटू 50 5,00,000, 10,000 इंटू 50 लाख, 40 रुपीज़ फेस वैल्यू है, यहाँ 50 यहाँ 10 1,00,000 डन। सारा पैसा नहीं मिलेगा, कुछ पैसा आपको एडवांस में मिला हुआ है, तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितना पैसा आना था, आना तो 5,00,000 था, लेकिन कितना एडवांस आया हुआ है, 50 एडवांस आया हुआ है, तो अब आपको कितना मिलेगा 450। फिर आप फर्स्ट कॉल पे पैसा मांगेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अमाउंट अभी भी उतना ही मांगोगे 10,000 इंटू 60, 10,000 इंटू 50, 10,000 इंटू 10। सिक्स्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पूरा पैसा आपको मिलेगा 6,00,000, 6,00,000। ये आपका क्वेश्चन था। अगर मैं आपसे पूछूं, इसको मैं भी रब कर देता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल बैंक में पैसा कितना आया, तो आप कहोगे सर 230, ठीक है जी, उसमें से 80 चला गया तो बचा 150, 150 के बाद 450 तो 6 हो गया, 6 और 6 12 हो गया, क्या 12 आना था,
क्या 12 आना था, चेक कर लें। आपने कितने शेयर इशू किए थे? 10,000। तो 10,000 इंटू कितने पे किए थे? 100 प्लस 20, 120 पे। बिल्कुल 12 लाख आना था और आपके पास 12 लाख ही आया। अब कमाल की बात देखोगे, अब मैं आपसे पूछता हूँ, चेक बात बता दो, शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में कितना गया? तो आप कहोगे सर 230 प्लस 1 लाख 330 प्लस 4 लाख कितना हो गया? एक सेकंड, यहाँ गलत किया है मैंने, रुको, बताते नहीं हो ना आप लोग। शेयर कैपिटल देख रहे हैं हम, शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 1 लाख प्लस 4 लाख 5 लाख, प्लस 5 लाख कितना हो गया? 10 लाख हो गया ना। अब 10 लाख ही बनता है यहाँ पर, 10,000 शेयर थे, 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू थी, तो 10 लाख बन गया। रिमेनिंग 2 लाख क्या है आपका? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो आप इस तरीके से जस्टिफाई भी कर सकते हो, बाद में क्रॉस चेक भी कर सकते हो अपने आंसर्स को। थोड़ा सा लॉजिकल आपको क्लियर होना चाहिए, बेस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नोट कीजिए ज़रा, पॉज एंड नोट, पॉज एंड नोट। क्या ये वर्किंग नोट बनाना ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है, बट आप ही के लिए बेनिफिशियरी होता है ये। पॉज एंड नोट, डन। ठीक है जी, आज हम लोग यहीं रोकेंगे, आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँगा आपसे, जब तक आप एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आप ट्राई करके रखना, क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं अपना टॉपिक चेंज कर दूंगा। ज़्यादा क्लासेस नहीं लगेंगी, 3 से 4 क्लासेस शेयर्स के चैप्टर पे लगती हैं, बाकी 2 से 3 क्लासेस आपकी डिबेंचर के चैप्टर पे लगती है। तो ज़्यादा क्लासेस अपनी बची नहीं है, अच्छे से रिवाइज़ कीजिए और इन क्वेश्चंस को कीजिए जो मैंने आपको बताया है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे, बाय बाय, थैंक यू।